नमस्कार, मैं हूं देवांजी मोइत्रा। भारत में आमतौर पर आपको टॉय गन से खेलते हुए बच्चे दिख जाएंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका में टॉय गन के इस्तेमाल पर रोक है? दरअसल वहां ये दुकानों पर आसानी से खरीदी नहीं जा सकती। खरीदना तो दूर, इसे बेचने और इस्तेमाल करने तक को वहां एक बड़ा अपराध माना जाता है। ऐसे में टॉय गन को लेकर अमेरिका में क्या कुछ कानून है, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले इससे जुड़े एक ऐसे विवाद की बात करते हैं जिसकी वजह से बीते दिनों अमेरिका में एक बड़ा विरोध हुआ। दरअसल बीते दिनों अमेरिका में असली गन बनाने वाली कंपनी कल्पर प्रिसिजन ने खिलौना गन की कॉपी करके एक असली गन बाजार में उतार दी। ये गन लेगो की खिलौना पिस्तौल की तरह लगती, हालांकि इस गन को लेकर कंपनी का अपना तर्क था। लेकिन अमेरिका में जब इसका जमकर विरोध हुआ तो डेनिश टॉयमेकर कंपनी लेगो की मांग पर कल्पर प्रिसिजन ने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में कहा, वकील से चर्चा के बाद वो लेगो के अनुरोध को मान रहे, जिसके बाद से ही बंदूक निर्माता कंपनी ने इसकी बिक्री पर रोक लगा दी और इसे अपनी वेबसाइट से भी हटा दिया। इसे लेकर सभी का मानना था कि ऐसे गन की बिक्री और उत्पादन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं, बल्कि ऐसे गन लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है। ये था वो पूरा मामला जिसकी वजह से बीते दिनों अमेरिका में कंपनी कल्पर प्रिसिजन पर विरोध के सुर तेज थे। लेकिन अब बात करते हैं अमेरिका में टॉय गन से जुड़े उन कड़े कानून की जिसकी वजह से वहां टॉय गन के उत्पादन, खरीद और बिक्री पर रोक है। अमेरिका के कानूनों में गन बेचना और खरीदना जितना आसान है, उससे ज्यादा वहां टॉय गन को लेकर कानून कड़े। अमेरिकी कानून साफ कहता है कि कोई भी टॉय गन यानी खिलौना बंदूक असली नहीं दिखना चाहिए, यानी कि जिस टॉय गन की टीप या नाल ऑरेंज कलर की होगी, केवल वही टॉय गन की बिक्री अमेरिका में हो पाएगी। हालांकि न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, शिकागो और मिशिगन में एयरसॉफ्ट टॉय गन पूरी तरह से बैन है। साल 2003 में से लेकर एक कानून बनाया गया था जिसके तहत कहा गया कि अगर कोई असली गन जैसी टॉय गन बनाता और बेचता है तो उसे $1,000 का जुर्माना और 1 साल की जेल की सजा होगी। वैसे बच्चों में बंदूक के खेल को लेकर लंबे समय से बहस होती रही कि क्या ऐसे खिलौने बच्चों के हाथ में दिए जाने चाहिए जो बाल मनोविज्ञान पर असर डालते हो। अब आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।